इस दुनिया में जिसने किसी भी तरह का आध्यात्मिक पागलपन दिखाया उसे हमेशा सताया गया है। मंसूर अल हलाज भी ऐसे ही सूफी संत थे। जानिए उनकी शख्सियत के कुछ पहलुओं को। मंसूर अल हलाज सूफीवाद के सबसे विवादास्पद व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने दावा किया था कि मैं ही सत्य हूं, जिसे धर्म विरोधी माना गया और इस कारण उन्हें 55 साल की उम्र में बड़ी बेरहमी के साथ मौत की सजा दे दी गई। हालांकि सच्चे ईश्वर प्रेमी समझते थे कि उनके ये कहने का क्या मतलब है और वो उनका बड़ा आदर करते थे और आज भी करते हैं। बात उन दिनों की है जब मंसूर बगदाद में थे। अपने सूफी गुरु जुनेद से उन्होंने कई विवादास्पद सवाल किए, लेकिन जवाब देने के बजाय जुनेद ने कहा, एक समय ऐसा आएगा जब लकड़ी के एक टुकड़े पर तुम लाल धब्बा लगाओगे। उन्होंने इस बात से इशारा कर दिया था कि एक दिन मंसूर को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। इस पर मंसूर ने जवाब दिया, जब ऐसा होगा तो आपको अपना सूफी चोला उतार कर एक धार्मिक विद्वान का चोला धारण करना होगा। यह भविष्यवाणी तब सच हुई जब मंसूर की मौत का हुक्मनामा तैयार किया गया और जुनेद से उस पर दस्तखत करने को कहा गया। हालांकि जुनेद दस्तखत नहीं करना चाहते थे, लेकिन बगदाद के खलीफा इस बात पर अड़ गए कि जुनेद को दस्तखत करने ही होंगे। खैर, जुनेद ने अपना सूफी चोला उतार दिया और एक धार्मिक विद्वान की तरह पगड़ी और अंगरखा पहनकर इस्लामिक एकेडमी पहुंचे। वहां उन्होंने ये कहते हुए मौत के फरमान पर दस्तखत किए कि हम मंसूर हलाज के बारे में फैसला सिर्फ बाहरी सत्य के आधार पर कर रहे हैं। जहां तक भीतरी सत्य की बात है तो इसे सिर्फ खुदा ही जानता है। जुनेद से मिलने के बाद अगले 5 साल तक उन्होंने एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था में मध्य एशिया और ईरान के कई इलाकों की यात्रा की। विद्वानों और आम लोगों दोनों ने ही उनकी शिक्षाओं और प्रवचन को हाथों हाथ लिया और उनकी भरपूर प्रशंसा की। अपनी तीखी परख के कारण वे हलाज यानी रहस्यों के उस्ताद के रूप में जाने गए। वे बसरा से मक्का तीर्थ यात्रा पर गए, लेकिन यहां उन पर जादूगर का ठप्पा लगा दिया था। इसके बाद वह भारत और चीन की यात्रा पर निकल पड़े, जहां उन्हें एक प्रबुद्ध गुरु के रूप में पहचान मिली। उन्होंने मक्का की अपनी दूसरी हज यात्रा की और वहां 2 साल तक रहे, लेकिन उनके आध्यात्मिक सीख बांटने के तरीके में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। उनकी शिक्षाएं अब बहुत गुढ़ हो चुकी थी और मैं ही सत्य हूं का दावा करके वे लोगों को एक ऐसे सत्य की ओर आकर्षित करने लगे जो लोग शायद समझ नहीं सके। उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में कई किस्से फैलने लगे। लोग उनके बारे में तरह तरह की राय रखने लगे। कहा जाता है कि मैं ही सत्य हूं के धर्म विरोधी दावे की वजह से उन्हें करीब 50 इस्लामिक शहरों से खदेड़ दिया गया था। मक्का की दूसरी हज यात्रा पर करीब 4,000 लोग हलाज के साथ गए थे। पूरे 1 साल तक वह काबा के सामने नंगे पैर और नंगे सिर ऐसे ही खड़े रहे। रोज एक आदमी उनके सामने कुछ रोटियां और एक जग पानी रख जाता, लेकिन कभी कभार ही ऐसा हुआ कि हलाज ने उन रोटियों और पानी को हाथ लगाया। नतीजा हुआ कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा भर रह गया। बगदाद वापस आने पर कट्टरपंथी धार्मिक लोगों ने उन पर धर्म विरोधी होने का आरोप लगाया और उन्हें 1 साल के लिए जेल में डाल दिया। जेल में शुरू के 6 महीनों तक लोग लगातार उनसे सलाह लेने आते रहे, लेकिन जब खलीफा को इस बात का पता चला तो उसने हुक्म दिया कि हलाज से कोई नहीं मिल सकता। जिस जेल में हलाज को बंद किया गया था उसमें 300 कैदी थे।
एक रात हलाज ने उन कैदियों से पूछा कि क्या आप लोग जेल से आजाद होना चाहते हैं। कैदियों के हां कहने पर हलाज ने अपनी उंगली से एक रहस्यपूर्ण इशारा किया। अचानक सभी हथकड़ियों और ताले टूट गए और जेल के दरवाजे खुल गए। सारे कैदी जेल से भागने लगे, लेकिन हलाज नहीं भागे। भाग रहे कैदियों ने हलाज से जब उनके नहीं भागने का कारण पूछा तो हलाज ने जवाब दिया, मेरा मालिक के साथ कुछ गुप्त मामला चल रहा है जिसका खुलासा सिर्फ फांसी के तख्ते पर ही हो सकता है। मैं अपने मालिक खुदा का कैदी हूं। इस घटना के बाद खलीफा ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। कहा जाता है कि बगदाद में 100,000 लोग उनकी फांसी को देखने के लिए इकट्ठा हुए। 500 कौड़े मारने के बाद उनके हाथ पैरों को काट दिया गया, उनके आंखें निकाल ली गई और जीभ को भी काट दिया गया। उनके क्षत विक्षत शरीर को ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। कुछ समय में ही उनकी मौत हो गई। जब जल्लाद ने उनका सिर काटा तो उनके धड़ से खून की धार फूट पड़ी और तेज आवाज आई, मैं सत्य हूं। अचानक उनके शरीर से कटा एक एक अंग चीखने लगा, मैं ही सत्य हूं। इसके बाद उन पर उंगली उठाने वालों को एहसास होने लगा कि उन्होंने खुदा के एक लाडले की हत्या कर दी है। मंसूर भारत में धर्म ग्रंथों और उन चीजों को सिखाने आए थे जो वे जानते थे। वे बस इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करते थे। लेकिन जब वह गुजरात और पंजाब पहुंचे तो उनकी मुलाकात कुछ ऐसे सच्चे आध्यात्मिक दीवानों से हुई जो परमानंद की एक अलग ही अवस्था में थे। जब वह वापस लौटे तो बस एक लंगोटी पहने हुए थे। जिस समाज से वे आए थे उसमें अगर कोई आदमी केवल लंगोटी पहने यूं ही सड़कों पर घूमता दिखे तो उसे घोर पागल समझा जाता था। अपने भीतर परम आनंद का अनुभव कर रहे हलाज ने कहना शुरू कर दिया, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कोई नहीं हूं। इसके बाद वह पागलों की तरह सड़कों पर नाचने गाने लगे। जब आप परम आनंद की अवस्था में होते हैं तो आपके व्यक्तित्व का ढांचा जो सख्त होता है वह ढीला पड़ जाता है, मानो भट्टी में पूरी तरह पका हुआ मिट्टी का बर्तन फिर से कच्ची मिट्टी का बर्तन बन जाए, वह फिर से नरम और लचीला हो जाता है। आप उसे जैसा चाहे फिर से एक नया रूप, एक नया आकार दे सकते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब लोग मस्ती में होते हैं तो वे बहुत लचीले हो जाते हैं और जब नाखुश होते हैं तो वही लोग बहुत सख्त हो जाते हैं, बिल्कुल लकड़ी की तरह। जब लोगों ने देखा कि मंसूर पर पागलपन सवार हो गया है तो उन्होंने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी, पर उन्होंने उनका ज्यादा विरोध नहीं किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं खुदा हूं तो उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए जाने लगे। वह मक्का जा पहुंचे, वहां हर कोई काबा के चक्कर लगा रहा था। उन्होंने सोचा कि यहां इतनी भीड़ क्यों है, हर कोई यहीं क्यों चक्कर लगा रहा है। उन्होंने वहां से हटकर पास की एक गली में एक और पत्थर की स्थापना कर दी। संभवतः उन्होंने उस पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। उन्होंने देखा कि उन दोनों जगहों की ऊर्जा एक जैसी थी। फिर उन्होंने लोगों से कहा, काबा में बहुत ज्यादा भीड़ है, सबको उसी एक जगह पर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग इस पत्थर के चारों ओर भी घूम सकते हैं। बस इतना कहना काफी था। इसके लिए मंसूर को भयंकर सजा दी गई। उनके खाल उधेड़ दी गई, उन्हें कमर तक जमीन में गाड़ दिया गया और उस जगह के खलीफा ने हुक्म दिया कि जो कोई भी उस गली से गुजरेगा उसे उन्हें पत्थर मारना ही होगा, बिना उन्हें पत्थर मारे आप उस गली से नहीं गुजर सकते। जब उनका एक करीबी दोस्त उधर से गुजरा तो उसे भी उन पर कुछ फेंकना था।
उसकी जब पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं हुई तो उसने उनकी ओर एक फूल फेंक दिया। तभी मंसूर के मुंह से एक कविता फूट पड़ी जिसमें उन्होंने कहा, मुझ पर फेंके गए पत्थरों ने मुझे कष्ट नहीं दिया क्योंकि इन पत्थरों को अज्ञानी लोगों ने फेंका था, लेकिन तुमने जो फूल मुझ पर फेंका इससे मुझे गहरी तकलीफ हुई है क्योंकि तुम तो ज्ञानी हो और फिर भी तुमने मुझ पर कोई चीज फेंकी। इस दुनिया में जिसने भी किसी तरह का आध्यात्मिक पागलपन दिखाया है उसे हमेशा सताया गया है। उनकी एक कविता है, वियोग जन्म देता है बोध को, बोध प्रेम के सच्चे मार्ग का बोध, प्रेम जो कुछ नहीं चाहता, जिसे नहीं है जरूरत किसी की, अपने प्रियतम की भी नहीं, क्योंकि यथार्थ की ऐसी हालात में प्रेमी और प्रियतम नहीं होते हैं दो, अलग अलग नहीं कभी, दो हो जाते हैं एक, एक साथ सदा के लिए। गौर फरमाइए, सूफियों का रहस्य है यही। मंसूर अल हलास कहते हैं, अनल हक, देखो एक सच्चा प्रेमी पूर्ण समर्पण कर विलीन हुआ, समा गया उस दिव्य प्रियतम के चरण प्रेम में। मैं वही हूं जिसे मैं प्रेम करता हूं और जिसे मैं प्रेम करता हूं वह मैं हूं। हम दो आत्माएं हैं जो एक ही शरीर में हैं। अगर तूने मेरे दर्शन कर लिए, समझ ले तूने उसके दर्शन कर लिए। मौत की सजा मिलने से पहले अपने पुत्र को हलास की आखिरी सिख। पूरी दुनिया मानती है कि नैतिक व्यवहार खुदा की ओर ले जाता है, हलास कहते हैं, लेकिन खुदा की कृपा पाने की कोशिश करो। अगर तुम्हें उसकी कृपा का एक कण भी मिल गया तो वह देवताओं और इंसानों के तमाम भलाई के कामों से ज्यादा कीमती है। 20 साल तक हलाज एक ही फटा चिथड़ा सूफी चोला पहने रहे। एक दिन उनके कुछ चेलों ने उनके उस चोले को जबरदस्ती उतारने की कोशिश की ताकि उन्हें नए कपड़े पहना सके। जब पुराने चोले को उतारा गया तो पता चला कि उसके भीतर एक बिच्छू ने अपना बिल बना लिया है। हलाज ने कहा, यह बिच्छू मेरा दोस्त है जो पिछले 20 साल से मेरे कपड़ों में रह रहा है। उन्होंने अपने चेलों से जिद की कि तुरंत उनके पुराने चोले और उस बिच्छू को बिना नुकसान पहुंचाए उन पर वापस डाल दे। धन्यवाद।